संभाल के रखना जी बिल्कुल भाजी पैसे इससे ले लियो मैं नहीं जी आपने दिलवाई थी जी घड़ी तो पैसे दे के जाओ हाँ जी ये 300 रुपए जग घूम तो देखा दोस्तों आपने किस तरह चाइनीज माल हिंदुस्तानी माल के आगे पानी कम होता है। तो दोस्तों इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं हमारे नुक्कड़ नाटक का दूसरा अध्याय। ये 20 रुपया हाँ जी और ये 10 रुपया हाँ और ये चाइनीज है लेना है 10 रुपए का ये 20 रुपए का स्वदेशी ले लीजिए 20 रुपया दीजिए। अरे कोई नहीं ले जाइए अरे ले जाइए अच्छा है चलेगा ले जाइए आप लीजिए। होली है अगला दिन हेलो कहाँ है अच्छा जल्दी आ गई तुझे क्या हुआ क्या हो गया अरे आ तो सही अच्छा आ गई हूँ हाँ जल्दी आ क्या हो गया इसको अरे देख ना जल्दी देख अरे क्या हो गया मुंह क्यों छुपा रही है बात बड़ी सिंपल सी है डिंपल को हो गई पिंपल अरे इसके तो पिंपल भी चाइनीज है हमने कहा था ना मत ले चाइनीज का माल तो देखा दोस्तों हमने अगर आप ही चाहते हैं कि डिंपल की तरह ना हो आपको बड़े बड़े और मोटे मोटे पिंपल तो दोस्तों अपनाएं स्वदेशी हर्बल गुलाल और मनाएं स्वदेशी होली का त्योहार। नुक्कड़ को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं हमारा अगला और तीसरा अध्याय। कहाँ से आ रहे हो बस यार थोड़े क्रैकर वगैरह लेके आ रहा हूँ लड़िया वड़िया सारी बस यार ये वाली लेके आया हूँ मैं कितने की लाए हो यार 150 रुपए के लेके आया हूँ 150 रुपए हाँ भाई अब 150 में 3 लाए हैं पूरा घर से टूटा क्या हमारा क्या बात कर रहे हो कहाँ से लेके आए हो बगल में चाइना मार्केट है अपनी अरे ना भैया ना चाइना मार्केट से तो बिल्कुल नहीं यार क्या बात कर रहे हो जला के दिया हमको पूरा यार आज जल रही है शाम तक बुझ जाएगी तुम्हारी तो कल शाम को तो भैया कल दिवाली है कहाँ देखोगे अब अरे चल जाएगी टेंशन नहीं है चलो भैया देखते हैं तुम्हारी अरे भैया दीपक कहाँ है बाहर आ मिठाइयाँ लेके आया हूँ मैं भैया पूरा घर में अंधेरा पड़ा है अरे भाई मैंने बोला था तुझे यार चाइना का माल मत ले अरे हमको क्या पता था यार बंद हो जाएगी
अरे मैंने तो पहले ही बोला था यार, आप तो 150 का माल 50 में लेगा तो ऐसे ही होगा ना। चाइना का माल इस्तेमाल करोगे तो पछताओगे भैया। सोच रहा इस बार चल जाए, अगली बार से बिल्कुल नहीं छू। भैया अगली बार तो आएगा ही नहीं, एक दिन की दिवाली होती है यार। सही करे क्या करे, सही करना पड़ेगा ना। चलो लो भैया मिठाइयां खाओ आप। चलो हैप्पी दिवाली भैया। हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों अगर आप सब भी चाहते हैं कि ललन की दिवाली की तरह आपकी दिवाली की रातें काली ना हो तो दोस्तों स्वदेशी अपनाओ और अपने त्योहारों को जगमगाओ। नुक्कड़ नाटक को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं हमारा चौथा अध्याय। अरे छोड़ो ये अध्याय अध्याय, अरे चलो तुम्हें कुछ खिलाओ आज चाइनीज चिल्ली देकर। अबे हट, अबे खाया था तेरा चाइनीज चिल्ली, बता नहीं सकता कहाँ कहाँ चिल्ली लगी है मुझे। अरे कहाँ कहाँ लग गई। अरे भाई साहब ये होता है ना चाइनीज खाने में, पता नहीं टेस्टी बनाने के लिए क्या क्या डालते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको जिसे हम चाइनीज नमक के नाम से डालते हैं, जानते हैं अजीनो मोटो। अरे भैया नाम से ही बीमारी लगता है, और ना जाने क्या क्या डाला जाता है खाने को टेस्टी बनाने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, आप भी थी तेरे मंचूरियन तेरे चिल्ली चिकन, तेरे मंचूरियन तेरे चिल्ली चिकन, खाते ही बेटी ये सजा पा गया, जब मिला वो शुरू तब मिला कुछ सुकून, देसी दलिया बनाया मजा आ गया। तो देखा दोस्तों आपने, हर किसी की किस्मत मेरी तरह अच्छी नहीं होती जिसे वक्त पर वॉशरूम मिल जाए, इसलिए स्वदेशी खाना अपनाएं और सेहत बनाएं। दोस्तों नाटक आगे बढ़ाकर आपके सामने पेश करते हैं हमारे नाटक का अगला और पांचवा अध्याय। अरे भैया मैं कहाँ जा रहा हूँ, अरे छोड़ो मुझे, अरे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी, क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का जिस जिंदगी में एक नौकरी तक ना हो, इतना पढ़ लिखने के बाद एक नौकरी तक नहीं मिल पा रही है मुझे। और इतनी छोटी सी बात के लिए तू मरने जा रहा है? भाई छोटी बात होगी तुम सबके लिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ना जाने कितनी परेशानियों से मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं उनके सपनों को पूरा कर सकूं, लेकिन आज मैं उनके तो क्या अपने सपने भी पूरे नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। अरे तुम्हें पता है हमें नौकरियां क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? चाइनीज प्रोडक्ट की वजह से। वो कैसे? अरे हम आए दिन धड़ल्ले से चाइनीज प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। हाँ तो उसका पैसा कहाँ जाएगा भाई लोग? चाइना में। कारखाने कहाँ खुलेंगे? चाइना में। तो रोजगार किसको मिलेगा? चाइना वालों को। समझो ना खुद को, फिर कौन समझोगे? ओ तो देखा दोस्तों आपने किस तरह हम सिर्फ हमारा पैसा ही नहीं बल्कि हमारा रोजगार भी चाइना को दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वक्त है जागने का, और दोस्तों स्वदेशी अपनाओ, देश में रोजगार के अवसर बढ़ाओ। नुक्कड़ को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी के सामने पेश करते हैं हमारा अगला और सबसे अहम अध्याय। अरे भाई साहब बहुत थक गए सब लोग, एक चाय पिलाइए सबको। बना रहे हैं चाय, थके थके लग रहा, क्या हो गया? अरे भैया क्या बताएं, तुम कहते हो हम परेशान क्यों है, हमारा देश चाइना का गुलाम हुआ जा रहा है और क्या हम परेशान भी नहीं हो सकते? क्या ये बात परेशानी की नहीं? घर दुकान में जो ये टीवी लगाकर रखा है आपने, क्या सिर्फ शोपीस के लिए है? कभी चलाकर देखते हो देश में क्या क्या हो रहा है? हर खबर से आपको कर रहे हैं खबरदार, मैं अमन सिंह चैनल से। आज की ताजा खबर, पाकिस्तान ने की धपाधप गोलाबारी, चाइना ने की तेज से घुसपैठ। जी हाँ, और इसी घुसपैठ के अंदर हमारे चार भारतीय जवान शहीद हो गए और आज हमारा देश बड़ी ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। क्या ये कल तक चीज और हालात सुधर पाएंगे? मैं कैमरामैन अमनदीप के साथ अरविंद थकल चैनल, धन्यवाद। तो खाने का पैसा नहीं है, गोला बारूद का पैसा कहाँ से आ रहा है इस पे? अरे भैया इस सब के जिम्मेदार हम सब हैं। वो कैसे? अरे भैया हम चाइनीज प्रोडक्ट खरीद कर चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना उसी पैसे से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम आए दिन सुनते हैं कि कभी चाइना बॉर्डर पर और कभी पाकिस्तानी बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। दोस्तों हम जवान नहीं, हम सड़क पर जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन हम देश में रहकर हमारे जवानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, उसी तरह हम सबको भी एक आंदोलन चलाना पड़ेगा चाइनीज सामान के खिलाफ। तो दोस्तों चाइनीज भगाओ और देश के जवानों को बचाओ। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय जयकारा, जय जयकारा, हिंदुस्तानी दिल हमारा, हम तो है सक्षम चाइना, सोचो कैसे हो
मैंने और मेरे साथियों ने आप सबको कुछ बातों से रूबरू कराने की कोशिश करी कुछ माध्यम के अध्याय से कि हमारा देश किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो दोस्तों इन बातों पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है क्योंकि हम खुद हमारे देश को एक बहुत गहराई में डाल रहे हैं। तो दोस्तों आज से हम यह संकल्प लेते हैं कि हम हमारे देश के सामान अपनाएंगे और चाइनीज और बाकी बाहर के देश के सामानों का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों मेरे साथ प्लीज एक बार नारा लगाए, स्वदेशी अपना है चाइनीज भगाए, स्वदेशी अपना है चाइनीज भगाए। मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी का धन्यवाद करती है, आप सबने बड़ी कुशलता के साथ हमें सुना और ध्यान पूर्वक सुना। मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी का नमस्कार करती है, धन्यवाद। एक और आखिरी अनाउंसमेंट है, 29 तारीख को जो लाल किले का रामलीला मैदान है वहां पर एक बहुत बड़ा स्वदेशी मंच लगा हुआ है, जिस तरीके से आज एक स्वदेशी मेला है उसी तरह से, तो वहां बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। तो कृपया मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और हमारे देश का गौरव बढ़ाए। धन्यवाद।